हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से होंगे और हम लोग भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा कल बाबू का बर्थडे था, तो आज देखिए सुबह 7:30 बज रहा है, तो ये देखिए पूरा एकदम तहलका मचा हुआ है पूरा घर का सफाई करने के लिए। और इस घर में भी देख लीजिए कैसे कबाड़ करके चले गए हैं लोग सारे के सारे, ये देखिए। और अब हम जा रहे हैं सफाई करने के लिए। और इधर देखिए, और ये मेरा बाबू का गिफ्ट है, ये मेरा भाई दिया था गिफ्ट। और चलिए छत पर भी दिखा देते हैं आप लोग एक बार। ये देखिए पूरा एकदम कबाड़ करके चले गए हैं लोग। और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि आज मैं इतना खुश क्यों हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली वाले ने मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वीडियो बनाओ और डालो, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मेरे भाई के मेरे लड़के के जन्मदिन पर आए लोग, तो सारे के सारे यही कह रहे थे लोग कि वीडियो बना करके और भी अच्छा अच्छा से डालो। तो मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छा अच्छा से वीडियो बना करके डालूँगी। तो आज हम जा रहे हैं सफाई करने के लिए, पूरा पूरा घर का एकदम सत्यानाश करके चले गए हैं, तो इसलिए हम चलते हैं। चलिए चलिए हम स्टार्ट अपना पूरी अच्छी तरीके से वीडियो को करते हैं। अब मैं ऊपर ही आ करके, और जितना बड़ा बड़ा है सब पतीला डेंग जो पतीला है और कुकर ऊपर जितना बड़ा बड़ा है सब मैं ऊपर ही अच्छी तरीक़े से सफाई करूँगी। और सबसे नीचे से ले करके और ऊपर तक ये लोग गंद मचा के रखे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ऊपर भी दिखाया और नीचे भी दिखाया। तो दिखाने के बाद से मैं सीधा डायरेक्ट आ गई किचन में काम करने के लिए। मैं किचन से ही शुरुआत करने लगी काम करने के लिए। तो मैं ऑलरेडी पूरा बर्तन धो दिया, और धोने के बाद मैं कपड़ा समेटूंगी, झाड़ू लगाऊंगी और घर को धो दूंगी। तो ये देखिए मैं पूरा किचन साफ कर दिया है बर्तन वर्तन धोने के बाद से। मैं गैस चूल्हा धो दी और पूरा सिंक धो दी, और ऊपर का जो सेल्फ होता है वो भी धो घाली। तो ये देखिए मैंने बर्तन धो करके अभी रखी हूँ, और कुछ मैं टोकरी में रख दी हूँ। तो जितना छोटा छोटा बर्तन था वो मैं नीचे धो दी, और जितना बड़ा है वो मैं ऊपर धोऊँगी। तो अम्मी को भी बुलाई हूँ, अभी आई नहीं है, और सुबह का 10 बज रहा था, तो मैं बहुत लेट से उठी थी क्योंकि बर्थडे मनाते मनाते लेट हो गया। सोने में 12 बज गए, इसलिए सुबह में बहुत ज़्यादा लेट से उठी थी। तो इसलिए मैंने 10 बजे अपना रूटीन चालू की, क्योंकि एकदम शाम को ही थकान सा हो गया था। तो मेरा बाबू का बर्थडे 19 मार्च का था, और मैं 20 मार्च की पूरा सफाई कर रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने पूरा सफाई कर लिया है और सीधा जाऊंगी छत पे। तो मैं तो कपड़ा फोल्ड करूंगी और उसके बाद से झाड़ू लगा दूंगी, और उसके बाद से धोने के बाद मैं मम्मी के पास जाऊंगी, और मेरी लड़की पोंछा लगा देगी, वाइपर लगा करके पूरा करके जाऊंगी। सिर्फ मेरी लड़की थोड़ा पोंछा ऐसे ही लगा देगी या लगा पंखा चालू कर देगी, तो पूरा सूख जाएगा। और हो सकता है कि आज मैं नहीं यहाँ पे बना पाऊँगी, क्योंकि मम्मी के घर पे ही जाऊँगी खाने के लिए। इतना काम करने के बाद से, थक जाने के बाद से आदमी नहीं हो पाता है। ये तो है कि मम्मी के पास फ़ोन की, तो बोली कि कोई बात नहीं, मैं आ करके थोड़ा बहुत हेल्प करा देती हूँ। तो देखिए गाइज,
मैं पूरा किचन को साफ कर लूँगी। देखिए ये मेरा है सिंक, और जितना मतलब हो सका मैं उतना ही वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि मेरे लड़के बीच बीच में बहुत परेशान कर रहा था मोबाइल के लिए, और ऑलरेडी मेरे पास एक ही मोबाइल है, इसीलिए इसी से वीडियो बनाना पड़ता है और वो भी देखने लगता है। तो होगा इंशाल्लाह, अगर जो अल्लाह चाहेंगे तो ज़रूर होगा। मैं रखी थी इन लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा मोबाइल, पर वो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, तो इसलिए अब मन नहीं कर रहा है मुझे मोबाइल लेने के लिए। तो मैं फिर बाद में लूँगी, क्योंकि अब ईद का त्यौहार आ गया है, तो मोबाइल सचा है कि अभी बच्चों का कपड़ा लेना है, तो इसीलिए। और हमारे घर पे सब आए थे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि पूछो मत। और रोज़ अफ्तारी हो चाहे कुरन खानी हो, तो इन सब में हम लोग इकट्ठा होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक अलग से ही खुशी मिलती है। चाहे बर्थडे हो, चाहे कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर जो मनाओ तो सारे फैमिली इकट्ठा होते तो अच्छा लगता है, और नहीं तो अकेले ही घर में रहते हैं तो पूरा कपड़ा समेट लेती हूँ, और समेटने के बाद से झाड़ू लगा दूँगी, और ये सब करने के बाद से मैं मम्मी के ही घर पे जाऊँगी अफ्तारी करने के लिए, क्योंकि मैं पूरी तरीके से थक गई हूँ। और मम्मी को बुला ली हूँ यहाँ पे कुछ हेल्प कराने के लिए, तो वो छत पे कर लेगी और मैं नीचे कर लूँगी, तो थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगा काम के लिए करके। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं कपड़ा उपड़ा फोल्ड कर देती हूँ, और करने के बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी, और उसके बाद से मैं धो करके और नहा लूँगी, और मम्मी ऊपर भी बर्तन धो धा करके और वो भी नहा लेगी। और उसके बाद से मेरा लड़का जो है बहुत ख़राब कर दिया था छत पे पाइप में डाल डाल के, तो पूरा दिन हम लोग पाइप में से कचरा निकालने में ही लग गए। अब्बू भी आए थे तो वो भी पाइप को काटे और पूरा पाइप को सफाई करके, क्योंकि ऑलरेडी बाहर पाइप था तो इसीलिए थोड़ा हो गया था। तो मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, और इसके बाद से मैं घर धोना स्टार्ट कर दूँगी, और धोने के बाद से मैं चली जाऊँगी छत पे, मम्मी के साथ साथ मैं हेल्प कराऊँगी। और टाइम हो गया था 12 बज गया था हम लोगों को करते करते सुबह का 12, इतना ज़्यादा मतलब था गंद कि क्या बताऊँ। तो इसीलिए हम लोगों को करते करते 12 बज गया था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि जिशान को दे दी मोबाइल तो वो देखने लगा तो मैं छोड़ दी। तो मैं नहाने धोने के बाद अब जा रही हूँ घर पे ना अम्मी के, तो वहीं पे अफ्तारी करूँगी। देखिए फ्रेंड, ये मैं रास्ते में हूँ और रास्ते में जा रही हूँ, ये मेरा लड़का और ये लड़की जा रही लोग साथ में ही। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था, क्योंकि ये है मेरा लड़का बहुत ज़्यादा छत से, जो छत पे जाली नहीं थी तो इसीलिए उसने छत के पाइप पे जब चढ़ता था ऊपर तब कुछ ना कुछ डाल देता था। तो हम लोग जब काम करने लगे छत पे तो पानी रुक गया, तो मम्मी कोई पाइप से जो सबमर्सिबल वाला पाइप होता है उसी पाइप से वो कि खूब मतलब साफ कर रही थी, तो नहीं हुआ तब और जाम हो गया। तो मैं बोली कि मम्मी नीचे पाइप काट दे थोड़ा सा और पानी निकल जाएगा तो बाद में ठीक होगा, तो ये करने लगी। ये मम्मी का गली है तो मैं करने लगी, हम लोग करने लगे तो पानी तो पूरा निकल गया, लेकिन जब पापा को बुलाए कि थोड़ा आ करके देख लीजिए, तो आए अब्बू आए मेरे, तो वो लगाए हाथ तो देखे कि हाँ, तो बोले कि चलो लाओ मैं अभी साफ़ ही कर देता हूँ। तो उन्होंने पूरा साफ़ कर दिया, और देखिए फ्रेंड मैं शाम हो गया, काम करते करते शाम हो गया था, तो
मैं कुछ नहीं बना पाई, मेरा हिम्मत टूट गया, तो मैं कुछ नहीं बना पाई। तो इसीलिए मम्मी फोन करके बोले कि आ जाओ यहीं पे अफ्तारी कर लेना। तो हम लोग जा रहे थे अफ्तारी करने के लिए, अब वहीं पे खाना वाना खा के आएंगे। तो इसीलिए तो इतना ज़्यादा थकान हो गया था कि अब हिम्मत ही नहीं कर रहा था चलने का। तो मैं बोली थी बाबू से कि थोड़ा गाड़ी से छोड़ दो, तो कह रहा थोड़ा बहुत चल जाओ क्योंकि मेरा अर्जेंटली काम है। ये मम्मी के घर पे आ गई हूँ, ये पौड़ी है मम्मी के घर के छत का, तो थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी क्योंकि आज मेरे को वीडियो बिल्कुल बनाने का मन नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा थकान होने के वजह से। तो देखिए फ्रेंड, ये है मेरी अम्मी का घर और ये मेरा लड़का सोया हुआ है। और टाइम हम हो गया था अफ्तारी का, तो हम लोग अफ्तारी में ही बैठ गए थे क्योंकि शाम को 5 साढ़े 5 बजे आए थे। तो देखो बहन पूरा अफ्तारी का सामान बना ली थी ऑलरेडी, और बना करके हम बैठ करके अफ्तारी करने वाले थे। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा यहाँ का भी वीडियो बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जो नए हैं वो मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग अफ्तारी करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद से मैं खाना वाना खा हो करके और उधर ही से आऊँगी। और दिन जैसे जैसे शाम होता जा रहा था मगरिब के टाइम, वैसे वैसे ही मेरा गला ख़राब होता जा रहा था। तो सारे बच्चे भी बैठ गए थे अफ्तारी करने के लिए, और मैं और बहन और अबू अम्मी के लिए दुकान पे चला गया था और बाबू के लिए यहाँ पे मेरे घर के पास। तो हम अफ्तारी करने के बाद से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके बाय।